सो दोस्तों, क्या आप भी वार्प VPN यूज़ करते हैं? जो कि आप देख सकते हैं, मैं भी इसको यूज़ करता हूँ। अगर आपकी भी प्रॉब्लम आ रही है कि आप बार बार इसको कनेक्ट कर रहे हो लेकिन ये जो कनेक्ट है वो नहीं हो पा रहा है, बार बार डिसकनेक्ट हो जा रहा है, ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी आ रही है, मेरे साथ भी, कैसे मैंने इसको सॉल्व किया, मैंने इसको सॉल्व कर लिया है, अभी मैं जैसे कनेक्ट करता हूँ तो ये आराम से कनेक्ट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता। लेकिन इसको कैसे सॉल्व करना है, आपके में भी सॉल्व नहीं होगी आपके मोबाइल में, तो शो कैसे करना है बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको 3 लाइन्स में जाना है। जाने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर 2 ऑप्शन लिखे, पहला और दूसरा, 111 जो लिखा हुआ है इसमें आपको टिक कर देना है, दूसरे से हटा के। जैसे आप करते हैं, ये आपकी एक सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको आना है एडवांस में, जैसे आप लोग एडवांस में आ जाते हैं उस पर अब आपको करना है क्या है, यहाँ पर कनेक्शन ऑप्शन में जाना है। जैसे आप लोग कनेक्शन ऑप्शन पर आ जाते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है रिसेट ऑल सेटिंग्स, इस पर क्लिक करना है और यस कर देना है। जैसे जिस करते हैं उसके बाद आपकी जो भी सेटिंग्स करा हुई है वो एक साथ ठीक हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। उसके बाद एक और चीज़ आपको करनी है, उसके बाद भी अगर आपका ठीक नहीं होता तो वो करना क्या है, आपको आना होम स्क्रीन पर। अब इसी वजह से आप आते हैं तो आपका जो ऐप है वो आपको बोल देना है, बोलने के लिए आप क्लिक कर देना। जब आप क्लिक कर देंगे उसके बाद आपको आइकन खोलेगा या फिर आइकन को भी लेकर आ सकता है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे हम लोग इसको क्लिक कर देंगे उसके बाद एप्लीकेशन आ जाएगा, तो आपको करने के बाद आपको स्टोरेज को क्लिक करने के बाद गलत क्लियर उसके आगे करना होगा। उसके बाद आपको क्लियर स्क्रीन नहीं करनी है, आपको आने का है प्रोसेस को कर देता है, ओके कर देगा। जैसे आप प्रोसेस को कर लेते हैं उसके बाद आपको दोबारा से ऐप को ओपन कर लें, इसी को मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे आप लोग इसको ओपन करोगे अब आपको करने के यहाँ पे एक और ऑप्शन आएगा इनेबल का, जो कि आप देख सकते हैं इनेबल वन विद WARP ये प्राइवेट इंटरनेट कॉन्फ्रेंस पर क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करते हैं यह इनेबल हो चुका है। अब आपको करने के इसको आपको कनेक्ट करना है। आपको